बुलंदशहर से सुनील राघव की रिपोर्ट। सड़क की घटिया सामग्री की शिकायत मुख्यमंत्री से करने के बाद न्यायालय में दायर होगी याचिका। ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने 171 करोड़ की लागत से बन रही घटिया सामग्री से सड़क के प्रकरण उप मुख्यमंत्री से शिकायत कर कार्यवाही न होने पर माननीय उच्च न्यायालय में दायर करने की बात कही। मंडल अध्यक्ष मेरठ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने लोक निर्माण विभाग मंत्री व उप मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश शासन से ट्वीट कर व पत्र लिखकर 171 करोड़ की लागत से एशियन बैंक द्वारा लोक निर्माण विभाग शाखा विश्व बैंक अलीगढ़ के माध्यम से एटलस कंपनी द्वारा बनाई जा रही जतवाई बाया अनूपशहर दिवाई दोराहा सड़क में घटिया सामग्री व जंपिंग होने के बाद भी मनमानी तरीके से एस्टीमेट के विपरीत अनूपशहर में आबादी भाग में अलीगढ़ स्टैंड की ओर नाला निर्माण न करके जंगल में नाला निर्माण कर धन के बंदरवाट की कोशिश की जा रही। लोक निर्माण विभाग के विभागीय अध्यक्ष लखनऊ द्वारा कराई गई जांच में घटिया सामग्री की पुष्टि होने व सड़क रिजेक्ट किया जाने पर भी व जिलाधिकारी बुलंदशहर द्वारा एडम बुलंदशहर की अध्यक्षता में गठित की गई जांच कमेटी द्वारा घटिया सामग्री पाए जाने कंसल्टेंट की लापरवाही होने पर कार्रवाई के आदेश के बाद भी लोक निर्माण विभाग शाखा विश्व बैंक के अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार को संरक्षण देते हुए वर्तमान में सड़क में जंपिंग होने के बाद भी भुगतान वर्तमान में किए जाने तथा नाला निर्माण आबादी भाग अनूप शहर में अलीगढ़ स्टैंड की ओर बनाने की मांग करते हुए टोली चौराहा से दिवाई दौराहा तक अधिकांश लीक मार्ग की अप्रोच न बनाए जाने पर आक्रोश व्यक्त कर कार्रवाई न होने पर उच्च अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में घटिया सामग्री की पुष्टि के आधार पर माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर करने की ज्ञानेंद्र सिंह राघव ने चेतावनी दी। ज्ञानेंद्र सिंह राघव अध्यक्ष मेरठ मंडल मेरठ अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा युवा जनपद बुलंदशहर में 171 करोड़ की लागत से एशियन बैंक द्वारा लोनेवी खंड विश्व बैंक अलीगढ़ द्वारा बनवाई जा रही एटलस कंपनी के माध्यम से सड़क में घटिया सामग्री व गुणवत्ताहीन बनाए जाने पर हमारे द्वारा विभाग के अध्यक्ष लखनऊ के यहाँ व जिलाधिकारी बुलंदशहर के यहाँ से जांच कराने के बाद व उनके द्वारा घटिया सामग्री पाई जाने के बाद भी एटलस कंपनी द्वारा कहीं ना कहीं अधिकारियों के भ्रष्टाचार के संरक्षण के चलते आज भी धन की बर्बादी की जा रही है। घटिया सामग्री से सड़क को बनाया जा रहा है जो नाला अनूपशहर की आबादी में अलीगढ़ स्टैंड की ओर बनाया जाना था वो सीसी रोड के निकट न बना करके जंगल में बनाने का काम किया जा रहा है। धन का बंदरवाट किया जा रहा है। वही दूसरी ओर जहां डीबीआर और एस्टीमेट में सभी लिंक रोड से 25 मीटर तक अप्रोच रोड बनाए जाने थे उनको 25 मीटर न जोड़ करके अनूपशहर से अलीगढ़ की ओर अधिकांश रोडों को छोड़ दिया गया है। ऐसी ही स्थिति टोली चौराहे से अनूपशहर तक की है। हमारे द्वारा आज पुनः उप मुख्यमंत्री महोदय व लोक निर्माण विभाग मंत्री से पत्र देकर वे ट्वीट करके कार्रवाई की मांग की गई है। अगर कार्रवाई नहीं होती है तो उन सब के माध्यम से जो जांच हमारे द्वारा कराई गई है अधीक्षण अमेरिका बुलंदशहर लोक निर्माण विभाग द्वारा जो घटिया सामग्री की पुष्टि करके सैंपलिंग फेल हुई है तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा जो जांच घटिया सामग्री पाई गई है इनको लेकर के माननीय न्यायालय में मुकदमा दायर करके कंपनी व अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की जाएगी।